जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो। आज दिनांक 1 जुलाई 2024, आज के वीडियो में बात करेंगे आलू के क्या भाव है और आगे चल करके आलू और कौन सा खेल खेल सकता है। सही सही और हकीकत अच्छे भाव क्या हैं और आने वाले समय में क्या किसानों को यही भाव मिलेंगे या कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। उससे पहले जो है, सबसे पहले आप लोगों को हम मौसम के बारे में बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर मौसम की बात की जाए तो आज लगभग 4 दिन से मौसम एकदम बढ़िया है। आधा घंटा बाद बारिश होती है और आधा घंटा बाद धूप निकलती है, फिर 2 घंटे बाद बारिश हो जाती है या फिर धूप निकल आती है, तो इसी तरीके का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में बारिश हो रही है उन क्षेत्रों की अगर बात की जाएगी तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है और बढ़िया सिस्टम चल रहा है, मतलब बारिश जो है अब अच्छे से होने लगी है। अगर बात की जाए आलू के भाव की तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है कन्नौज की। कन्नौज के कोल्ड स्टोरों में, कन्नौज में जो है आपका एक प्रॉपर कन्नौज, उसके बाद कन्नौज देहात क्षेत्र, उसके बाद एक जगह मानीमू क्षेत्र होता है। तो आपको एक बात बता दूं, हर कोल्ड स्टोरेज और हर क्षेत्र में अलग अलग जो है भाव देखने को मिलते हैं। उन लोगों का मानना यह है, व्यापारी लोगों का, कि भाई क्वालिटी भी अलग होती है। अगर कन्नौज के प्रॉपर कोल्ड स्टोरों के आलू के भाव की बात करें, देखिए यहाँ पर आलू का जो भाव है, आप ख्याति पुखराज आलू 900 रुपए से लेकर के 1000 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब किसान के दाम मान सकते हैं, जिसमें कि 37-97 शामिल है। मतलब आम तौर पे ना, मतलब 800-850 और 900-950 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से ख्याति पुखराज आलू की बिक्री हो रही है। उसके बाद आपका अगर लाल गोल वाले की बात करेंगे तो सेम आपका लाल गोल वाला भी 900 से लेकर के 1000 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। न्यू आयलैंड की बात करेंगे तो वो 1000 रुपए से लेकर के 1200 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। इसी में अगर G4 श्रीनाथ की बात करेंगे तो वो भी 1000 रुपए से लेकर के 1150 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसान के दाम बिक्री हो रहा है। चिप्सोना आलू भी यहाँ पर आपका 1000 रुपए से लेकर के 1100 रुपए प्रति पैकेट, और एक्स्ट्रा अच्छा होगा तो 1150 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसान का दाम मिल जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसा हमने एक चीज को आकलन लगाया है कि यहाँ पर बिक्री जो है, पूरे कन्नौज जिले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बिक्री बोली लगकर के नहीं होती है। बिक्री यहाँ पर ऐसे होती है कि किसान जब अपनी पर्ची लेकर के आएगा और व्यापारी भाई या एजेंट या दलाल को जब वो अपनी पर्ची दिखाएगा, या मुनीम कोल्ड के होते हैं या मैनेजर कोल्ड के होते हैं, उनको जब पर्ची दिखाई जाएगी तो उनसे जो है जवाब मिलता है कि भैया अभी तो फिलहाल में कोई व्यापारी यहाँ पर नहीं है, और कोई अगर व्यापारी आते हैं तो आपको या फिर तो मैं फोन कर दूंगा और आप तब आके दिखा लीजिएगा। अब एक बात ध्यान दो कि अगर कोई किसान बहुत दूर से आएगा तो वो बार बार नहीं आ पाता है, क्योंकि इस समय मक्का मूंगफली का सीजन चल रहा है। तो वो बोलता है भैया एक काम करो, किसान भी को मजबूरी बोलना पड़ता है, या कोल्ड के मैनेजर या मुनीम या कोई कर्मचारी कहते हैं काम करो, पर्ची मुझे दे दो और हम आलू को दिखा देंगे और आपको बता देंगे कि आपका आलू किस भाव में बिक रहा है। आपकी इच्छा हो तो उतने में देना और नहीं तो नहीं देना। तो किसान को भी लगता है कि भाई जितने में होगा तो मैं उसे दे दूंगा, तो वो पर्ची देके जब किसान भगवान घर आ जाते हैं, घर आने के बाद में फोन आता है वहां पर कि ये व्यापारी भाई आए थे, मैंने आलू दिखाया है। लेकिन जो कोल्ड के कर्मचारी मुनीम या मैनेजर साहब होते हैं वो उन्हीं व्यापारी को बुलाते हैं जो कि उनके फेवर के होते हैं, फेवर वो जो उनको कुछ ना कुछ प्रति कट्टे पर देंगे। जैसे माना कि उन्होंने अभी एक किसान भाई ख्याति पुखराज बढ़िया आलू की पर्ची दे करके कोल्ड के कर्मचारी को देकर के गए थे, उन्होंने अपने व्यापारी को दिखाया, आलू तो 1000 या 950 रुपए प्रति पैकेट वाला था, लेकिन कर्मचारी मतलब कोल्ड के कर्मचारी कहते हैं व्यापारी भाई से कि
कि आलू तो 950 रुपए वाला है, लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ मिलेगा तो मैं गारंटी देता हूं आपको ये आलू 900 रुपए प्रति पैकेट में लिखवा दूंगा। मतलब इतना ज्यादा धांधली हो रही है, इतनी ज्यादा मतलब गड़बड़ी हो रही है कि किसान बेचारे खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि गड़बड़ी हो कहां जाती है, रेट क्यों नहीं अच्छे मिल पाते हैं। तो भैया व्यापारी को भी चाहिए, उससे तो माल चाहिए, उसमें तो पैसे पड़ने ही पड़ने हैं। अब वो चाहे कोल्ड के कर्मचारी को दें, चाहे किसान को। इधर क्या होता है कि यहाँ पर 2-3 दिन किसान को टहलाया जाता है, कोई व्यापारी नहीं आ रहा है, बिक्री नहीं है, ये बात वो बात, उतने में किसान जो है परेशान हो जाता है। जब किसान परेशान हो जाता है, जब 2-3 दिन लगातार किसान भाई परेशान हो गए और फोन आ रहे भैया आलू इतने ही में मांगा जा रहा है, तो क्या होता है आलू 950 वाला था, किसान भाई ने मजबूरी में 900 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से दे दिया। अब इधर जो है हमारे दोनों लोगों का काम चल गया, एक तो व्यापारी भाई का और एक कोल्ड के जो कर्मचारी लोग होते हैं जो सिर्फ दलाली करने में जुटे हुए हैं, और उनको ऊपर से भी पैसा चाहिए और कोल्ड मालिक साहब से भी चाहिए। लेकिन अगर कोई कोल्ड मालिक साहब हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कतई बुरा मत मानिएगा साहब, आप यकीन मानिएगा, मेरा आंखों देखो, मतलब आंखों मैंने देखा है कि इसी तरीके से जो है सिस्टम चल रहा है। तो आपको चाहिए कि आप जो है कोल्ड स्टोरों में अपने स्टाफ को या किसी को जो है समझाइए कि भैया ऐसा ठीक नहीं है, किसानों के साथ गलत करना अच्छी बात नहीं है। तो भाई अधिकांश कोल्ड स्टोरों में ऐसा ही हो रहा है। अभी फिलहाल में भाव तो 900 से लेकर के 1000 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से चल रहा है ख्यातिपुरा जालू। लेकिन आप फंस किसके बीच में रहे हैं, किसान को भी चाहिए कि दलाल के थ्रू आलू की बिक्री ना करें, व्यापारियों को अपना आलू दें, व्यापारी से अपनी बातचीत करें, और कोल्ड मैनेजर अगर जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो उनके थ्रू ही बिक्री करें, ताकि आने वाले समय जैसे कोई पैसा वाली बात आती है तो मैनेजर साहब अपने व्यापारी से बातचीत करके ही आपका पैसा भी दिलवा सके। जिन कोल्ड स्टोरों में आलू की बिक्री बोली लग करके होती है, कसम से उस कोल्ड स्टोरेज में हमें नहीं लगता है कि किसान को दिक्कत होती है, और चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज में बिक्री बोली लग करके हो। अगर बिक्री करने वाले 10 हैं तो खरीदने वाले भी वहां पर 10 होंगे, तो सभी का माल अच्छे से बिकेगा और अच्छा पैसा भी मिलेगा। लेकिन होता क्या है, कोल्ड स्टोरेज में जिनमें बोली नहीं लगती है उनमें बिक्री करने वाले 10 हैं और खरीदार सिर्फ 2 बैठे हैं, जो कि पहले से ही वहां पर टच हैं, मतलब प्रति पैकेट पर उनको कुछ ना कुछ कमीशन का भुगतान करना होगा कोल्ड स्टोरेज में। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना कोल्ड चलाना चाहते हो, किसानों के साथ गलत करना छोड़ दो भाई साहब। अब बात करते हैं हम लोग जो है अपने छिबरामऊ क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों में आलू के भाव की। देखिए छिबरामऊ क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों में आलू का जो भाव है, शुरुआत तो 800 रुपए प्रति पैकेट से होती है। मतलब आपका ख्यातिपुरा सफेद आलू होगा, अगर थोड़ा बहुत मतलब जो है निबल थर्ड क्वालिटी में होगा तो उसकी स्टार्टिंग 800 से होगी। 800 से लेकर के 950 रुपए प्रति पैकेट किसान का दाम लगभग मिल रहा है, लगभग। और सुपर बढ़िया BBIP अच्छा है, साउथ क्वालिटी का एकदम बढ़िया, उसका भाव 1000 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से है, किसान के दाम है। और अगर भाई अगर और निबल क्वालिटी का होगा तो इससे कम में भी बिक्री हो जाएगा, क्योंकि आलू की क्वालिटी बिक्री होती है, ना कि सिर्फ हवा हवाई। लाल गोल वाले आलू का भी भाव सेम 800 से लेकर के 1000 रुपए प्रति पैकेट किसान का दाम है, कोल्ड वाला जो व्यापारी भाई खरीदेंगे वो स्वयं देंगे। इसी में आता है न्यू आइलैंड आलू, सबसे ज्यादा तेजी है तो सिर्फ न्यू आइलैंड आलू पर है, और जिन जिन कोल्ड स्टोरों में बोली लग करके बिक्री हो रही है उन कोल्ड स्टोरों में आलू का भाव 1200 से लेकर के 1250 रुपए प्रति पैकेट किसान का दाम है न्यू आइलैंड आलू। और वैसे अगर बात करें आम कोल्डों का एवरेज भाव, तो आप मान के चलिएगा 1000 रुपए से लेकर के 1150 रुपए प्रति पैकेट किसान का दाम न्यू आइलैंड आलू। बोली में 1200 रुपए प्रति पैकेट, 1212 रुपए प्रति पैकेट, 1225 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से भी बोली में आलू बिक रहा है। तो आमतौर पे जो बाजार चल रहे हैं
वो आपके 850 से लेकर के 900 रुपए प्रति पैकेट ख्याति पोखरा जालू के, और आपका वही लाल गोल वाला होता है और 1000 रुपए से लेकर के 1150 रुपए प्रति पैकेट न्यू हाईलैंड आलू। जी सोना अगर आलू होता है आपका तो पहले तो इधर हमारे जो है छिबरामऊ क्षेत्र में और गुड़सागंज क्षेत्र में सोना बहुत कम है, कन्नौज में बहुत ज्यादा है, जिसका भाव 1050 रुपए से लेकर के 1150 रुपए प्रति पैकेट किसान का दाम। कन्नौज में भाड़ा 150 रुपए लगता है और छिबरामऊ गुड़साईगंज अदरवाइज जो है इधर अपना सिकंदरपुर एरिया इन सब जगह पर 130 रुपए प्रति पैकेट कोल्ड भाड़ा लगता है। और जो है अभी अगर निकासी की बात करें तो निकासी जो है करीबन करीबन जो है हमारे पूरे कन्नौज जिले में लगभग 20 से लेकर के 22% तक आलू की निकासी हो चुकी होगी। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, 2 घंटे बाद बरसात हो जाए, 3 घंटे बाद हो जाए, धूप निकल आए, ऐसा कुछ करके सीन चल रहा है। हालांकि बारिश पहले की अपेक्षा से अब ठीक ठाक हो रही है, अच्छी हो रही है। अब अगर हम लोग जो है बात करते हैं आपका वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में मौसम को लेकर के मौसम मतलब ठीक है लेकिन बारिश बहुत हल्की है, मतलब बूंदाबांदी हो जाती है, नहीं होती है, बहुत हल्की बारिश है। और वहां पर आलू के भाव की अगर बात हो, वेस्ट बंगाल में आलू का भाव आपका बढ़िया छट्टा क्वालिटी का एकदम VIP आलू जो है वो 1200 से लेकर के 1300 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहे हैं सब दाम। मतलब कि भाड़ा भी वहां पर लगभग जो है 150 रुपए या 200 कुछ रुपए करके वहां पर भाड़ा लगता है, तो जो वहां पर भाव है 1200 से लेकर के 1300 रुपए प्रति पैकेट सब दाम आलू बिक्री हो रहा है प्रति पैकेट। और आपका मीडियम आलू जो होते हैं वो 1100 से लेकर के 1200 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से। और अगर निकासी का आंकलन लगाया जाए तो अंदाजा लगाया है, अभी क्लियर जानकारी नहीं ली है, लेकिन वहां पर निकासी लगभग 20-22% हो चुकी है पूरे बंगाल में। आलू की निकासी 20 से लेकर के 22% तक हुई है पूरे बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल, सारे बंगाल में लगभग 20-22% आलू की निकासी हो चुकी है। वहीं अगर हम लोग जो है अब बात करते हैं कानपुर के आलू के भाव की, तो कानपुर में इस समय आमदनी जो है लगभग 25 से 30 मोटर की हो रही है। कानपुर में ख्याति पुखराज आलू के भाव की अगर बात की जाए तो कानपुर में ख्याति पुखराज आलू आपका 1900 से लेकर के 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहे हैं। बढ़िया होगा तो 2350 और अच्छा VIP 3797 भी इसमें अगर आप शामिल कर देते हो आगरा वाला तो आपका 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक्री हो जाएगा कानपुर की चक्रपुर मंडी में। यहाँ लाल गोल वाले की बात करेंगे तो आपके 2200 से लेकर के 2400 रुपए प्रति क्विंटल, और आपका चिप्सोना की बात करेंगे चिप्सोना 2400 से लेकर के 2500 रुपए प्रति क्विंटल, अच्छा होगा तो 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो जाएगा। न्यू हाईलैंड आलू की बात करेंगे तो 2400 रुपए मतलब 2500 रुपए 2600 रुपए मतलब कि 2300 से लेकर के और 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यू हाईलैंड आलू की बिक्री हो रही है।